हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन मित्रा हिंदी में। मैं हूं आपका दोस्त हेमंत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिपेयर करने जा रहे हैं एक CRT टीवी में, और आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें क्या फॉल्ट है। दोस्तों, इस कलर टीवी में टीवी स्क्रीन पर जो कलर है वो कुछ देर के बाद गायब हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे फीका दिख रहा है कलर, और कुछ देर के बाद ये ऑटोमेटिक कलर इसके आ जाते हैं। इसी तरह से दोस्तों ये चलता रहता है, थोड़ी देर के बाद इसका कलर बंद हो जाता है और थोड़ी देर के बाद इसका कलर आता रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका ब्लू कलर दिख रहा है और ग्रीन लगभग दिख रहा है, और रेड कलर इसका मिसिंग हो जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद आ जाता है। और 5-10 मिनट के बाद दोस्तों इसका जो टीवी स्क्रीन है वो ग्रीन कलर का रिट्रेस लाइन के साथ में आता है। तो इस तरह का इसमें फॉल्ट है दोस्तों। अभी आप देख रहे हो दोस्तों यहाँ पे रेड कलर मिसिंग है, लाल कलर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, और कुछ देर के बाद रेड कलर भी आ जाएगा। और थोड़ी देर चलने के बाद दोस्तों इसमें जो रिट्रेस लाइन का फॉल्ट आता है, ग्रीन कलर के साथ रिट्रेस लाइन आता है, इसको हमें ठीक करना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इस फॉल्ट को ठीक करेंगे। इसका रेड कलर मिस हो जाता है, नहीं दिखता है, और इसका टीवी स्क्रीन पर हरे रंग का रिट्रेस लाइन आता है। तो आपको थोड़ी देर टीवी चलने के बाद इसमें ग्रीन कलर का जो रिट्रेस लाइन है वो देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कुछ देर चलने के बाद टीवी स्क्रीन पूरी तरह से ग्रीन रिट्रेस लाइन के साथ आ रहा है। तो कुछ इसी तरह का इसमें फॉल्ट है दोस्तों। तो दोस्तों ये दोनों जो फॉल्ट हैं, जो रेड कलर मिस हो रहा है और इसका टीवी स्क्रीन हरे रंग के साथ रिट्रेस लाइन आ रहा है, तो ये दोनों फॉल्ट जो है दोस्तों वो CRT बेस सेक्शन का फॉल्ट है। टीवी के जो CRT बेस होता है दोस्तों, पिक्चर ट्यूब का जो बेस रहता है उस पर रेड, ग्रीन और ब्लू कलर के लिए 3 ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू कलर के वीडियो सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए। और इससे जुड़ा हुआ ये फॉल्ट है, और इसके ट्रांजिस्टर को काम करने के लिए 180 वोल्ट सप्लाई मिलता है दोस्तों। इनसे रिलेटेड फॉल्ट है, और इसका जो मेन IC है जो कलर सिग्नल को पिक्चर ट्यूब के बेस तक पहुंचाता है, उनसे संबंधित ये तीनों जगह से ये फॉल्ट हो सकता है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है दोस्तों कहाँ का ये फॉल्ट है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो टीवी का जो किट है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है 250 वोल्ट का, जो 180 वोल्ट सप्लाई को फिल्टर करता है और CRT बेस सेक्शन के ट्रांजिस्टरों को सप्लाई पहुँचाता है अगर ये वोल्टेज कम बन रहे हों तो। दोस्तों CRT बेस से संबंधित और कलर से संबंधित इसमें फॉल्ट आते हैं। ये जो मेन IC है दोस्तों, अगर ये भी ख़राब हो तो इसमें आपको कलर से संबंधित फॉल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये है CRT बेस सेक्शन, और यहाँ पर रेड, ग्रीन और ब्लू कलर को एम्पलीफाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पे 3 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, और इनकी ख़राबी से भी इसमें दोस्तों फॉल्ट आएगा। और यहाँ पर रेड कलर अपने आप चला जा रहा है, तो यहाँ पर रेड कलर का जो ट्रांजिस्टर है उसको हमें चेक करना है। और उसके बाद दोस्तों कुछ देर के बाद इसमें ग्रीन कलर का रिट्रेस लाइन आ रहा है, तो हमें ग्रीन कलर के ट्रांजिस्टर को भी चेक करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर सप्लाई चेक करेंगे कितना सप्लाई यहाँ पर पहुँच रहा है CRT बेस पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर 2482 नंबर का यहाँ पर 3 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। अगर ये ट्रांजिस्टर ख़राब हो तो इनसे ये फॉल्ट आता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे, उसके बाद दोस्तों ये तीनों ट्रांजिस्टर को चेंज करके देख लेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो हमने मल्टीमीटर को 200 वोल्ट की रेंज पर सेट कर दिया है, और हमने नेगेटिव पिन को ग्राउंड कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर 170 वोल्ट मिल रहा है, जो कि वोल्टेज हमारा सही आ रहा है। और ये देखिए यहाँ पर तीनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे यहाँ पे सप्लाई पहुँच रहा है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये जो 3 ट्रांजिस्टर लगे हैं
इनके कलेक्टर पे सप्लाई लगभग 150 वोल्ट पहुंच रहा है और तीनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे सप्लाई पहुंच रहा है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कैथोड पे भी ये वोल्टेज एम्पलीफाई करके दे रहा है। तो दोस्तों हमें यहाँ पर वोल्टेज से संबंधित ये फॉल्ट नहीं मिला है, वोल्टेज यहाँ पर सही है। तो हमें दोस्तों ये जो तीन ट्रांजिस्टर लगे हैं 2482 नंबर के, इन तीनों ट्रांजिस्टर को चेंज कर देना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रेड कलर से संबंधित इसमें फॉल्ट आ रहा है और ग्रीन कलर से भी रिलेटेड फॉल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर बच रहा है तो उसको भी हम चेंज कर देंगे दोस्तों, क्योंकि तीनों ट्रांजिस्टर अगर चेंज कर देते हैं तो ये तीनों फ्रेश लग जाएंगे और उसके बाद हम इनको चला कर देख लेंगे दोस्तों फॉल्ट हमारा ठीक होता है कि नहीं होता है। तो हमने यहाँ पे देखिए दोस्तों डिसोल्डर वायर की मदद से तीनों ट्रांजिस्टर को डिसोल्ड कर दिया है और इसको हम पीसीबी से बाहर निकाल के नया ट्रांजिस्टर रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि दोस्तों ये ट्रांजिस्टर को अगर आप मल्टीमीटर से चेक करोगे तो ज़्यादातर ये आपको सही दिखाएगा, सही कंटिन्यूटी दिखाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा वोल्टेज पे काम करते हैं। तो दोस्तों ये हीट होके थोड़ा सा ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों ये मल्टीमीटर यहाँ पे पूरी तरह से शो नहीं कर पाता है कि ये ट्रांजिस्टर ख़राब है। तो हमें सीधा इसमें नया फ्रेश ट्रांजिस्टर लगा देना चाहिए। जब भी आपको कुछ डाउट हो इससे संबंधित, कोई फॉल्ट आ रहा हो, तो आप यहाँ पे तीनों ट्रांजिस्टर को सीधे ही बदल करके इसकी जगह पे नया ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश पीस लगाएं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने तीनों ट्रांजिस्टर को निकाल दिया है, पीसीबी से बाहर निकाल दिया है। अब हम यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश ट्रांजिस्टर लगाएंगे यहाँ पे 2482 नंबर का, और उसके बाद दोस्तों हम इसको सोल्डर करके देखेंगे। तो इस तरह से दोस्तों हमें तीनों ट्रांजिस्टर को सही पोजिशन पर इसको लगाना है, सही जगह पर इसका जो मार्किंग दिया है दोस्तों ट्रांजिस्टर का, उसको सही पोजीशन पे रख के इसको हमें लगा देना है पीसीबी पे और इसको हम सोल्डर कर देंगे दोस्तों। तीनों ट्रांजिस्टर को दोस्तों हमने यहाँ पे सोल्डर कर देना है और सोल्डर करने के बाद दोस्तों जो इसकी एक्स्ट्रा पिंस बाहर निकली हुई है उसको हम काट देंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो तीनों ट्रांजिस्टर को हमने यहाँ पर लगा दिया है। अब हम इसको टीवी को ऑन करके चेक करके देख लेंगे। तो देखिए दोस्तों हमने टीवी को ऑन कर दिया है और यहाँ पर कलर अभी फ़िलहाल सही दिख रहे हैं। तो हम यहाँ पर 10 से 15 मिनट इसको कंटिन्यू चला के देखेंगे। तो आप यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों इसमें 9:31 का टाइम हो रहा है यहाँ पर, और इसको हम थोड़ी देर चला के देखेंगे फिर पता चलेगा दोस्तों इसमें कलर मिस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और ग्रीन कलर का जो रिट्रेस लाइन आ रहा है वो जाता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों अभी 9:45 हो चुका है। तो यहाँ पर 15 मिनट हमने टीवी को चला लिया है और यहाँ पर टीवी में कोई भी कलर का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। रेड कलर जो मिस हो रहा था, कलर फीका पड़ रहा था, वो प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, और इसमें जो ग्रीन कलर का रिट्रेस लाइन आ रहा था वो भी नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फॉल्ट ठीक हो चुका है। तो दोस्तों अगर कलर से संबंधित कोई फॉल्ट आया तो ज़्यादातर दोस्तों सीआरटी बेस के ट्रांजिस्टर से रिलेटेड फॉल्ट ज़्यादातर होते हैं, और बहुत कम केस में दोस्तों आईसी में प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों ज़्यादातर ट्रांजिस्टर को चेंज करने के बाद दोस्तों फॉल्ट हमारा ठीक हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप इस फॉल्ट को ठीक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों ये फॉल्ट हमारा ठीक हो चुका है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।